अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो का आगाज कर रहे हैं आमिल बाबा और इसके चेले की शोबदे बाजियों से। लापड़ची का गुटकू जनमन मोले, लापड़ची का गुटकू फिर जी निकला रे, 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 दिंगा चक्का थले 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 ओए 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 हटे थले हर थले हर दूर फासला, 4 फुट का फासला। अरे उम्र मर गया बेटा, बाबे की करामात। थले 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 हर चीज दा रेट थले, पेट्रोल दा रेट थले, गोल्ड दा रेट थले, डॉलर दा रेट थले, चीनी दा रेट थले, आटे दा रेट थले, तगदा तगदा थले 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 थले। बेटा बाबा अपने आस्ते कदी नहीं कुछ करता, बाबा आवाम दी खिदमत करता है। बेशक बाबे नु हमेशा दूसरियां दी टेंशन नहीं दी ये। अरे आला खट हट। बाबे की ड्रामे बाजियां चेक करें जरा, यानी इतनी औकात नहीं है कि एक तिनका भी खुद से हिला सके। और डॉलर नीचे आने का क्रेडिट, गोल्ड नीचे आने का क्रेडिट, चीनी का रेट नीचे आने का क्रेडिट, ऐसे धड़ल्ले से ले रहे जैसे सब कुछ इसने किया। ऐसी बात मत कर, ऐसी बात मत कर, बैठा बैठा पत्थर का हो जाएगा। तो बना दो पत्थर के, बना सकते हो। फैमिली ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरात, लाल संडे एडिशन रोड टू स्वात। लोर लोरी जाने दिए डबली। बच्चा ये अपना बच्चा है, इसे कुछ नहीं कहना। ये लाड करता है बाबे के साथ, बाबे को बुरा भला भी कह रहता है। बाबे ने खुद बनाओ ना पत्थर का, बनाओ ना, क्यों नहीं बना रहे पत्थर का। ये मुअक्कल तंग कर रहे हैं बेटा, तू तो हमारा लाडला है, तुझे क्या कहना है। चलो वो तो आपका बच्चा है तो मुझे बनाए पत्थर का। बेटा हमारे मुअक्कलों के पास इस रंग का पत्थर नहीं है। एक बात याद रखना, बाबे का कभी इम्तिहान न लेना। क्या कहने? ए बाबा जब इम्तिहान में पड़ जाता है तो कंपाट आती है। अरे अलग हट 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 हट। माफी माफी माफी। बाबा जी मैं तो आपकी करामात को मानती हूँ। मैंने जो आपसे तवीज लिया था ना अपने शोहर की नौकरी के लिए, क्या बात है बाबा जी, आपके तवीज ने तो काम कर दिया, मेरे हस्बैंड को इतनी अच्छी नौकरी मिली। मैं तो आपको दुआएं दे रही थी लेकिन 1 महीने बाद ही उन्होंने काम से निकाल दिया। एक मिनट, आप मुझे पहले बताइए कि आपने कितने पैसे दिए बाबा को तावीज के लिए। जी बाबा जी को 35,000 नजराना दिया था। लो अफसोस, अफसोस होता है आप लोगों की अकल के ऊपर कि आप इन जैसे बाबाओं के हाथों बेवकूफ बन रहे होते हैं, इन जैसे बाबाओं की तावीज को मसीहा समझ रहे होते हैं जो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकता। थल्ले 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 थल्ले, ना ना हट हट, अपना बच्चा है, हट हट हट। गलती इस बच्ची की है, बाबा जी ने इसे कहा था कि अपने खावन को कहना कि पहले महीने की सैलरी यहाँ थाने में गले में आके डाले, वो नहीं आया, काम से छुट्टी। वाह 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 वाह, 35,000 नजराना भी लिया, शौहर की नौकरी लगने के बाद उसकी पहली तनख्वाह भी चाहिए, यानी लूट मेला मचा के रखा हुआ। अरे बच्चा बाबा पैसे को रखता है अपनी जूती की नोक पे। अरे बाबा अपने बच्चों से प्यार करता है, बाबा को जो प्यार करता है बाबा उससे दुगना चुगना प्यार करता है। इस बच्ची का खामद नौकरी लग गया था मगर हम घर नहीं बैठे रहते, हम पीछा करते हैं। इसके खामद ने उधर जाते ही जो सामने लड़की बैठी हुई थी स्टैनो कंप्यूटर के ऊपर, उसके साथ आंख मटकना शुरू कर दिया था। अगर उधर से नौकरी से बाबा उसे ना निकलवाता तो बच्ची का घर खराब हो जाना था। वाह वाह बाबा जी, आप कितनी करनी वाले, आपको पता चल गया था कि वो मुस्टंडा किसी लड़की को देख रहा था। थल्ले 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 थल्ले, हट हट हट, अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं मेरे मुअक्कल। इस वक्त वो घर बैठा हुआ है। जी जी बाबा जी जी। अरे इतना ज्यादा उसे अकेला ना छोड़ा कर, अब जब भी आएगी उसे साथ लेके आना,
उसकी कमर पे एक लात मारूंगा, सीधा हो जाएगा। क्या कहने? जी बाबा जी, मैं जरूर लेके आऊंगी। बेटा जी, बाबा जी, ये याद रख, तेरी एक ससुराली रिश्तेदार है, वो चाहती है तेरा घर उजड़ जाए और वो अपनी बच्ची की शादी तेरे खावन से करवाना चाहती है। वो तुम्हारे घर आती जाती भी है। कौन है वो? हाँ बाबा जी हाँ, मेरी खाला सास आती जाती हमारे घर में। बच्चों से। चलो एक नई फिल्म शुरू हो गई। ये बाबा इतने चुंगल में अपने फंसाएगा कि तुम लोग 35 नहीं 70 देके जाओगे अगली मर्तबा बाबा को। ओए होए, अब बाबू जी तुसी ते पढ़े लिखे हो, अमीर आदमी हो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਚੈੱਕ, ਮਾੜੇ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਓਹੋ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਬੂ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਗੁਬਾਰੇ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਓ ਹਸਰਤ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਨੀ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਏ। ਅੱਬੂ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਫੂਕ ਏ ਬਾਬੇ ਦੀ? बाबा की एक फूक ना 20 मोमबत्तियां बजा लेंदा, या बाबा बगैर तेल तो दीवा बाल लेंदा। वो जब बाबे दे फूक ची इन्नी बरकत है अबू जी, तो बाबे नु कहे वड्डा बाजा बजा के भावे। यार आप जो मर्जी ये कह लें, जो इन फ्राडिये बाबो के चुंगल में फंस जाते हैं ना, फिर वो किसी की नहीं सुनते। जरा जुबान संभाल के, हर दफा बाबा तुझे नहीं बचा सकता। अब पुत्र जान दे, तेरा भला वे, मैं अपने जवाई नू कनाडा भेजना तो वीजा बाबे ने लाना ही। वो यार जाने दे, क्या फजूल बातें कर रहे हैं, ये बाबा कैनेडियन एम्बेसी का मलंग है क्या? ओ जी बड़ा मैं समझाया अबू नू, पर अबू कहंदे ने मेरे भतीजे दे पासपोर्ट ते ना बाबे ने लकीरां मारियां सी। हां ते ओ कराची पहुंच गया ते अगो कश्ती वाले नाल ओदी गल होण डई है। मैं बड़ा कह अबू, उन्हें भी डूब जाना तो कश्ती ने भी डूब जाना है। ओहो, इनको समझाएं, कश्ती पे जो जाते हैं उन्हें वीजे की जरूरत नहीं होती है, क्यों बेवकूफ बन रहे हैं इस फ्राडिये के हाथों। ओ सर, मैं तो आप कह रहे हैं कि फ्राडिया। खबरदार, बाबे की शान में अगर गुस्ताखी की तो जो बाबे के साथ गुस्ताखी करता है बाबा उसका हुसन छीन लेता है। लो जी, इतों डरिया जी मैं हल्का जी। ओ यार, ये कुछ नहीं कर सकता मां सवाए शोभदे बाजी के। ये वो लोग हैं जो लोगों को मेहनत से भी दूर करते हैं और अल्लाह के यकीन से भी दूर कर देते हैं। वो भाई, देना तो अल्लाह ने, मेहनत करो, अल्लाह से मांगो, ये क्या देगा? अल्लाह ही देता है, वही सबको देने वाला है। बाबा तो सिर्फ दुआ देता है। बस बस बाबा जी, मेरे खामत के लिए दुआ कर दें, उसे नौकरी मिल जाए। मिल जाएगी, नजराना लेके बाबा के आस्थाने पे आ जा। लो जी, 35,000 फेर गया जी। ओ हसरत बेटे, असी भी बाबे उन्हां नूं 35,000 रुपया दे दिंदे आ, तेरी कनाडा जान दी हसरत पूरी हो जाएगी। ओ मेरे प्यारे अबू, अगे भी तुसी वाल उगाउण वास्ते बाबियां नूं लखां रुपया देते ने, ते हुण मेरे भी तुसी लखां रुपया दे देने, पर वीजा नहीं जे लगना। ओ यार, इतना सस्ता वीजा लग रहा है कैनेडा का सिर्फ 35,000 रुपए में। ओ बाबा से कहो मेरा भी वीजा लगवा दे, अगर 35,000 रुपए में वीजा लगता है तो। लापड़ जी का गुटकू, जनरल बोले लापड़ जी का गुटकू। पर दीन करा रे बेटा, बाबा नजर वाला है, बाबा बंद किताब के अंदर देख लेता है। क्या कहने, तू झूठ बोलता है, तेरे पासपोर्ट में पहले ही कनाडा का वीजा है। हैं, लगा है बाबूजी तड़ा वीजा कनाडा का? हाँ जी लगा हुआ है, मगर अभी इसका तुक्का लगा है। ये अंदाजा लगा लेते हैं, बात छोड़ देते हैं, वो बात दुरुस्त हो जाती है और इनके नंबर बढ़ जाते हैं। बेटा बाबे को चैलेंज ना दे, बाबा इधर बैठा बैठा फूंक मार के तेरे पासपोर्ट से वीजा उड़ा भी सकता है। लो बाबा, तुम मेरा वीजा अभी यहीं बैठे बैठे फूंक मार कर उड़ा दो, इन सब का 35-35 मैं तुम्हें दूंगा। वाह 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 वाह, बाबू जी मैं तो कहना बाबू ना को 35-35 फड़िए तो निकलिए। ओ वो तो देखो, बाबा ने नई मदारी शुरू कर दी है।
बेटा तेरा तो पासपोर्ट भरा पड़ा है वीजों से, ये तो हर सफे पे वीजा नजर आ रहा है, इसमें कनाडा का कौन सा है बता, अभी बाबा तेरा कनाडा का वीजा अभी गायब करेगा। लो देखो, जिसको कनाडा के वीजे का नहीं पता वो कनाडा का वीजा लगाने चला है। बेटा वीजा लगाने वाला काम हमारा मोकल करता है, उसने एमए इंग्लिश किया हुआ है, बाबा अनपढ़ है, वीजा गायब करने का काम बाबा खुद करता है। बता कौन से नंबर सबे पे तेरा कनाडा का वीजा है। ओ जान दे बाबा जान दे, ओ बेवकूफ किसी और को बनाना, ये किसे पता होता है कौन से नंबर पे किस मुल्क का वीजा लगा हुआ है। बाबे को गुस्सा ना दिला बेटा, वरना बाबा सारा पासपोर्ट साफ कर देगा। करो साफ, कर दो सारा पासपोर्ट साहब, मैं भी देखता हूँ कि क्या कर सकते हो तुम। ले बेटा फिर तगड़ा हो जा। माफ कर दो बाबा जी, माफ कर दो। हट जा, छोड़ दे। हट जा बाबा, छोड़ दे। पीछे हट जा। नहीं बाबा नहीं। हट 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 हट। नहीं बाबा नहीं, नहीं बाबा नहीं। हट नहीं बाबा, नहीं बाबा। पासपोर्ट मेरा साफ हो रहा है, तुम क्यों भावा कर रहे हो? ये जो इस तरह के चेले होते हैं ना, ये इन बाबाओं के हर फ्रॉड में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी आप, ये चेला इधर ही पांव पड़ा है, रात को इनके डेरे पे जाके देखो, यही चेला कुर्सी पे बैठ के शराब पी रहा होता है। खुदा के लिए ना तंग करें बाबा जी को, अगर बाबा जी को गुस्सा आ गया तो हमारा काम भी खराब हो जाएगा। ओ बीबी तेरा केड़ा काम खराब होना है, बाबा केड़ा तेरी कमीज ते कढ़ाई करन रहे है। बाबा जी साथ वाले हमसाए, उनकी बेटी मेरी सहेली है, उनके घर पे जिन्नात का साया है बाबा जी। वो कह रहे हैं कि बाबा जी को 35,000 देने के लिए हम तैयार हैं, उनको बोलो हमारे घर आके जिन्नात निकाल दे। ओ बीबी 5,000 तू मेनू फड़ा, मेनू उन्होंने घर ले जा, जे जिन मेरे अगे लग के ना नस्या ते फिर कहना। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का हमारे साथ में। अच्छा हुआ आप साले की शादी पे नहीं गए, वरना दुल्हन वालों ने दूल्हे का बहनोई देख के तो इनकार कर देना। ओहो देखें सही बात कह रहे हैं वो, आप जहाज में बैठते हैं एक दफा तो ब्रदर इन लॉ कह रहे हैं, तीन दफा साले साला कहा।